मैडम किसी ने कोई सुध नहीं लिया हमारी, हमने कमिश्नर के यहाँ धरना दिया, कोई सुनवाई नहीं है। राकेश भाई के यहाँ गए, कुछ बात नहीं बनी। विधायकों के यहाँ दोनों जगह गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। और 10 साल और दीदी कच्ची नौकरी आएगी और कितनी हटा दिए हम, रोड पे बैठे हमारे बच्चों को राशन तक भी नहीं है। सही बता रही हूँ, और मांग मांग के कर्जा, मांग मांग के निगम रोल पे लाने की जगह है, मांग के किराया, निगम रोल पे लाने की जगह है, और एंडम के ठेके में धकेल दिया गया। हाँ। हमें हमारे बच्चे का क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, और हटा भी दिया। एक बात बताओ, मैं अकेली कमाने वाली हूँ तो हम कैसे खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे, ना हमारे को बच्चों की भी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं है हमारे पास। और हम यही झाड़ू की कर रहे, छुट्टी बैठी है हमारी, पक्का नहीं कर रहे हैं, पड़ोसियों से किराए मांग मांग के ला रहे हैं। हमारे हमारी बैलेंटी, हमारे कर्जा हो रहा है सिर्फ ब्याह का, कितने दे कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ। हम 10,000 रुपए में कहाँ से पढ़ाएंगे और कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे आगे, 10,000 में किसका क्या होता है, एक रेहड़ी वाले का भी गुजारा नहीं चलता है मैडम। ठीक है, जिसमें कि सरकार ये चाहती है कि भाई 10,000 रुपए में तुम अपने बच्चे भी पाल लो, और 8 ही मिलेंगे, 10 तो मिलेंगे भी नहीं हमें। तो उसके लिए सरकार ना तो सुन रही है, अंधी बहरी सरकार है, अंधी बहरी सरकार है मैडम। इतने टाइम से हम बैठे हुए हैं तो कैसे घर का खर्चा चला रहे हैं हम, इलेक्शन के समय पे तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं। हाँ, और उसके अलावा कोई सुनवाई नहीं है। पर मैडम अब की बारी आ गए ना, हमारा काम नहीं हुआ तो जूते मार के भगा देंगे हम इन्हें, हम देंगे। हमें ना इतने परेशान हो चुके हैं कि बहुत ज्यादा, महीना सारा हो गया है हमारे पास, ना तो पड़ोसियों से मांग मांग के लेके आ रहे, हमारे पास किराए भी नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी रोटी पानी खाने के लिए पैसे नहीं है, क्या करेंगे, गरीब आदमी है। बच्चे मैडम स्कूलों से भी बैठे हुए हमारे, हम क्या करेंगे बताना, सरकार बिल्कुल भी सुनाई नहीं कर रही है। अभी रोहतक रैली गई थी, इतने बंदे पता नहीं कैसे कैसे गए थे, कितने टाइम से सब गए थे, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी अभी तक। तो वही बात है मैम, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, ऐसे ही बैठे रहेंगे मैम। ठीक, पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं, हमको कोई बैंड शौक नहीं है हड़ताल करने का, मजबूरी है हमारे के नाम है, एक महीने से बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बैंड खाने के लिए मांगते हैं, सरकार तो सुनती ना बिल्कुल, के नाम है भेरी तो हो रही है, आँख से भी अंधी हो गई बिल्कुल। अब आप बताओ हम करे तो करे के, किराएदार मकान मालिक किराए मांगता, कहाँ से तो किराया दे, और कहाँ से राशन भरे, कहाँ से बच्चे से भरे, बच्चों की बच्चों को कहाँ से पाले, जो दोनों बच्चे हैं छोड़ छोड़ काम लग रहे हैं, अपने बच्चा ने भूखे प्यासे किराए पे वैसे रहने लग रहे हैं यहाँ, चाहे हमारे बर्तन ने फेंक दो मकान मालिक, इनको कोई फर्क ना पड़ने का है, हम कहाँ लेके जाओ अपने बच्चों ने, चार चार पाँच पाँच साल हो गए नौकरी करता है, एकदम तक घर बिठा दिए, हम कहाँ जाओ है,
पर ये सरकार तो कति अंधी हो रही, निकम्मी है, एक नंबर की निकम्मी सरकार है जो हमारी मांग ना मान रही। हम क्या काम ना करा करते हैं या ये ज्यादा काम करा जो ये नया ठेका आया। देखिए आप, 3480 सफाई कर्मचारी है उन सबको विभाग रोल पर करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ पहले भी सरकार ने 29 अक्टूबर 2022 को और 5 अक्टूबर 2023 को हमारे साथ फैसला हुआ था कि नगर निगम नगर पालिका परिषदों से जितने भी मैन पावर के जो ठेके हैं, सफाई के कार्य में जो ठेके कर्मचारी लगे हैं, सीवर के कार्य में लगे हैं, उन सभी को विभाग रोल पर कर दिया जाएगा और जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का कर दिया जाएगा। सरकार अपने वादे से पीछा हटती है, बार बार समझौता करती है लेकिन उनको लागू नहीं करती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि समय रहते हमारी इन सभी मांगों को पूरा करा जाए। और आपने आक्रोश रैली में भी देख लिया है, नगर निगम नगर पालिका और परिषदों का एक जन समूह वहाँ पर आक्रोश रैली में शामिल हुआ था। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी इन मांगों को आपने समय रहते नहीं किया तो 2024 में इसको आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम यहाँ के मूल निवासी, हमारा यहाँ वोट का अधिकार है, बाबा साहब ने हमने वोट का अधिकार दे रखा है, तो हम वोट की चोट करके दिखा देंगे अगर हमारी बात को नहीं माना गया। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम लगातार 21 तारीख से ये जब से नगर निगम गुड़गांव का 3480 सफाई कर्मचारी सरकार की मिली भगत और प्रशासन की मिली भगत से नगर निगम गुड़गांव को दोनों हाथों से लूटने के लिए जो इन्होंने ONM का ठेका दे दिया गया है और 3480 सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर एक झटके से हटा दिया गया है। हम लगातार 21 तारीख से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और अब हम लगातार 8 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और कल हमारा हड़ताल का 7वां दिन था, वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए कल हमने 4 दिन के लिए यानी शनिवार तक के लिए और हड़ताल को बढ़ा दिया गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं, जनता से भी अपील कर रहे हैं कि ये हमारी मजबूरी है, ये सरकार और प्रशासन हमारे से बार बार वार्ता करती है लेकिन हमारी जो जायज़ मांगे हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से 10,000 सफाई कर्मचारी को पद बनते हैं, 40 लाख की आबादी है, 550 सीवर सफाई कर्मचारी होने चाहिए, जबकि यहाँ पर और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3480 सफाई कर्मचारी जो डीसी रेट पर यहाँ लगे हुए थे यानी 15,905 पर, उनको एकदम से ONM का ठेका देकर के हरियाणा मिनिमम वेज यानी 10,000 के ऊपर ला दिया गया है, 5,000 की सीधी इनकी कटौती कर दी गई है और 3-3 महीने से ना कोई इनका ESIPF का हिसाब का पता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी सरकार है कि कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाने की बजाय तनख्वाह बढ़ाती है। प्रधानमंत्री जी अपना पैर धोने का काम करते हैं, हम बार बार कहते हैं ये अभी वाल्मीकि जयंती आ रही है, देखना वाल्मीकि जयंती सरकार मनाने का काम करके। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप हितैषी है वाल्मीकि समाज के, क्योंकि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज इसमें 80% है और महिलाएं इसमें हमारे यहाँ गुड़गांव में 3480 में कम से कम 2,500 महिलाएं हैं। अब महिलाओं की बात करते हैं, आज ये महिलाएं रोड पर बैठी है। हम ये सरकार से कह रहे हैं कि अगर आप दलित हितैषी सरकार है और महिला हितैषी सरकार है तो ये महिलाएं बैठी हुई है, अगर आप ये ढोंग करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप सच्चे हितैषी है तो इनकी नौकरी पक्की कीजिए, क्योंकि सफाई का काम रोजमर्रा का काम है, पक्का काम है, पक्का काम है तो पक्की नौकरी इसमें होनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उमा मर्सी कर्नाटक में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि पक्का काम है तो पक्की नौकरी देनी चाहिए, समान काम समान वेतन देना चाहिए। और ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये प्रोजेक्ट होता है और इसमें दो दो तीन तीन चार चार या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर का कोई काम हो यानी प्रोजेक्ट का काम हो, बरसाती नाले की सफाई का काम हो तो इसमें ठेका दिया जा सकता है, लेकिन ये सफाई का कार्य जब से सृष्टि बनी है और सृष्टि खत्म होने तक एक सफाई का कार्य चलेगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। सफाई नहीं होगी तो महामारी फैलेगी और भी बीमारियां होने का खतरा रहता है, इसलिए सफाई एक महत्वपूर्ण काम है जो करना ही करना होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण काम है, रोज का काम है, तो इसमें सफाई कर्मचारी भी